लोकसभा चुनाव 2019 सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, सीडीओ अनुज सिंह, कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह सहित चुनाव से संबंधित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मतदान में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक बातें बताई गई। सिक्स प्लेस से भी होंगे। एक विधानसभा क्षेत्र हमारा खजनी का है, उसका नामांकन प्रक्रिया भी चल रहा है, उसी का 12 मई का चुनाव होगा। बाकी इलाका जो 8 विधानसभा क्षेत्र है हमारा, उस पर 19 मई का चुनाव होगा। और आप जानते हैं, आप ही लोग बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। 3,870 होते हैं गोरखपुर में, और पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी जो आपके साथ जो साथी लगे हुए हैं, आप ही लोग एक तरफ से पूरा मत जो जनता का मत को कैप्चर कर सकते हैं। फिर तो उसके बाद फिर हम लोग सामूह में सील करके रखते हैं, उसके बाद प्रक्रिया होता है। हर बार कहने के बावजूद भी कुछ लोग ट्रेनिंग का बहुत हल्के में ले लेते हैं। अभी तो हम लोग का लगभग रोज इलेक्शन कमीशन का मीटिंग होता है, चलता है। अभी आप जानते हैं 2 फेज का चुनाव समाप्त हो चुकी है, 3 फेज का आज संभवतः चुनाव पड़ रही है। आजकल 3 फेज अभी लगभग तो उत्तर प्रदेश में तो निकल ही गया है, ये पूरा देश में हो रहा चुनाव। उसमें जो हम लोग उत्तर प्रदेश बड़े प्रदेश है, इसके 7 फेज में हो रहा, 3 फेज उसमें निकल गया, हम लोग अंतिम फेज में। वो जो कितने फर्स्ट फेज सेकंड फेज में त्रुटि होता है, हम लोगों को तो एक तरफ से सचेत करने के लिए बुला करके कमीशन वाले बताते हैं, ये इतने बार कहने के बावजूद ये त्रुटि हुआ है। उसी पर मैं बार बार दोहराने चाहता हूँ, ये त्रुटि बार बार होती है। वो तो ये जो मार्क पोल के बाद क्लियर नहीं कराते हैं, कितने बार कहने के बाद भी होता क्या है, सुबह में चलिए आप लोग को ट्रेनिंग हो गया, बढ़िया सारे हो गया, यहाँ से सामग्री लेके गए तो ठीक है, सुबह तो मार्क पोल आप समय को भी इस बात को फर्क है, समय 1-1 घंटे बढ़ा दी गई, अभी 7 से शाम को 6 बजे तक समय हो गया, इन्हें 2 घंटे की वृद्धि होगी पिछले चुनाव से, ये भी फर्क है। यानी 7 बजे मतलब आपको 6:30 से मार्क पोल कराना होगा, ताकि कम से कम 50 मार्क पोल आपको कराना होती है, जो आपके एजेंट के सामने करा के फिर उसको सील करके अलग रखेंगे, और उसका अलग गिनती तो फिर तब सुनते समय में होता है। इससे बड़ा त्रुटि और मेजर गलती होती है जो मार्क पोल के बाद क्लियर बटन दबा करके उसको सील कराना होता है, उससे करते हैं। उससे होता क्या है, जो 50 मार्क पोल का वोट है वो भी गिन जाता है, साथ इतनी बड़ा त्रुटि हो जाता है, उसी की वजह दोबारा चुनाव करना पड़ता है। छोटी सी त्रुटि है, बट उसी की वजह पूरे काम मेहनत पूरा बर्बाद। दूसरा चीज है, चुनाव के बाद क्लोजिंग बटन नहीं दबाते हैं, ये भी है। वो तो फिर काउंटिंग के दिन हम लोग के सामने आता तो बड़ा समस्या के रूप से आता है। और तीसरा चीज है, जो मान लीजिए छोटी छोटी, पहले जैसे नहीं, इस बार तो हम लोग के पास मशीन है, बहुत नया है, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। इसके फर्स्ट लेवल चेकिंग में बिल्कुल ना के बराबर जो कोई एरर निकला है हम लोग का, सेकंड लेवल चेकिंग के बाद जो आपके कैंडिडेट सब सेट होने के बाद आपको मशीन देते हैं, इसके एरर का तो ना के बराबर